हमारे चैनल में हम आपको ट्रेवल से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। आज हम जिस जगह के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं वो है माउंट आबू। राजस्थान में स्थित बेहद ही खूबसूरत माउंट आबू। माउंट आबू को हिल ऑफ विजडम और ओलंपस ऑफ राजस्थान इन विशेष नामों से जाना जाता है। यही कारण है कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों में माउंट आबू का नाम प्रमुख है। आरावली पर्वत श्रेणी की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी पर बसा माउंट आबू अपने आप में एक आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ सैलानी इसके विभिन्न ऐतिहासिक भवनों, हरी भरी वादियों तथा झीलों के सौंदर्य को देखने के लिए हर साल काफी तादाद में आते हैं और वह इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। समुद्र तट से 1219 मीटर की ऊंचाई पर बसे माउंट आबू का तापमान झुलसती गर्मियों में भी कम ही रहता है। यहाँ सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि पर्यटन के अलावा नव विवाहितों के लिए एक प्रसिद्ध हनीमून स्टेशन के रूप में जाना जाता है। इसके इतिहास पर नजर डाले तो माउंट आबू पर 13वीं सदी पर परमार वंश का शासन रहा, फिर यह देवड़ा चौहानों के अध्यापत हो गया, फिर महाराणा कुंभा को यहाँ राज करने का मौका मिला। दोस्तों उसके बाद में सिरोही के महाराज से अंग्रेजों ने इसे लीज पर लेकर ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट मुख्यालय बनाया जो 1947 तक बना रहा। आखिर में सिरोही राज्य का 1956 में राजस्थान में विलय हो गया, लेकिन विलय होने से पहले तक माउंट आबू विभिन्न राजघरानों के ग्रीष्मकालीन पसंदीदा स्थान रहा। राजस्थान के दक्षिण छोर पर होने के कारण न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात का भी ये नजदीक और पसंदीदा हिल स्टेशन है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको आबू रोड से 27 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके आसपास कई और दर्शनीय स्थल भी है जिनमें से एक है नक्की झील। समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नक्की झील पहाड़ियों के बीच में एक अनोखी खूबसूरती लिए है। माउंट आबू इसी झील के चारों तरफ बसा हुआ है। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखून से जमीन खोदकर इसे उत्पन्न किया था, इसलिए इस झील का नाम नक्की पड़ा। झील के चारों तरफ चट्टानों से अजीब सी आकृतियां बनी हुई है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। झील के किनारे स्थित एक चट्टान है जिसे टॉड रॉक के नाम से जाना जाता है। मेंढक के आकार की यह चट्टान झील के किनारे इस प्रकार झुकी हुई है मानो कोई मेंढक झील में छलांग मारने वाला है। नीले पानी वाली इस झील में सैलानी बोटिंग का जमकर लुत्फ उठाते हैं। झील के चारों ओर बने बगीचे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ सूर्यास्त का अपना एक अलग ही मनमोहक दृश्य है। जब झील के चारों तरफ रोशनी और नीले पानी में अपने बिंब छोड़ते हैं तो लगता है आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ जाता है। गुफा में बना अधर देवी मंदिर माउंट आबू के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के ओंट गिरे थे। यह मंदिर माउंट आबू से 3 किलोमीटर के फासले पर है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 365 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है तथा बाद में एक संकरी गुफा में लेट कर जाना पड़ता है। माँ दुर्गा के इस मंदिर में नवरात्रों में श्रद्धालुओं का तांता सा लग जाता है। आइए अब हम चलते हैं ओम शांति भवन की तरफ। सन 1983 में पांडव भवन के ठीक सामने बनवाया गया स्तंभ रहित लगभग 3 से 4 हजार व्यक्तियों की क्षमता वाला ओम शांति भवन राजस्थान का प्रथम और भारत का तीसरा तथा एशिया का 5वां अद्वितीय हॉल है। यहाँ प्रतिवर्ष फरवरी में होने वाले सभा में देश विदेश से अनेक भाई बहन अपनी अपनी भाषाओं में आयोजित समस्त कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं हनीमून पॉइंट। इसे अनादर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हरे भरे मैदान व घाटियों का एकदम मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। गोधुली के बेला में यह स्थान काफी ही सुंदर लगता है। यहाँ का सूर्यास्त बेहद ही मनमोहक लगता है। अब हम आपको ले चलते हैं गुरु शिखर। माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरावली पर्वत श्रेणी का यह सर्वोच्च शिखर है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 1772 मीटर है। यहाँ के एक प्राचीन मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराना एक घंटा बांधा गया है जिस पर 1411 ईस्वी का लेख खुदा हुआ है। इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। चारों ओर प्राकृतिक संपदाओं से धनी इस सर्वोच्च शिखर का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। अब हम बात करेंगे सनसेट पॉइंट। माउंट आबू से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। जब यहाँ की पहाड़ियाँ सूर्य की सुनहरी किरणों से ढक जाती है तब सूर्यास्त का नजारा देखने लायक बनता है। सूर्यास्त के समय पर्यटक अपने कैमरे
में यह दृश्य कैद करना कभी नहीं भूलते हैं। अचलगढ़ का किला अपने अतीत के इतिहास को बताता है। इसे परमार राजाओं द्वारा 1852 ईस्वी में बनवाया गया था। अब हम बात करेंगे पीस पार्क। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह पार्क अरावली के दो विशाल चोट गुरु शिखर और अचलगढ़ से घिरा हुआ है। मुख्य शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पार्क गुरु शिखर के जाने वाले रास्ते पर है। वीडियो के अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार माउंट आबू कैसे जाएं। अगर आप हवाई मार्ग से माउंट आबू जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा डाबोग यानी उदयपुर है, जो 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से माउंट आबू आने के लिए आप किराए के वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो माउंट आबू से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, बड़ोदरा आदि शहरों से सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध है। यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो माउंट आबू भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। माउंट आबू जाने के लिए कौन सा वक्त सबसे सही है? अत्यधिक बरसात, अत्यधिक गर्मी व सर्दी के मौसम के अलावा यहाँ किसी भी मौसम में जाना ठीक रहता है। गर्मी के मौसम में यहाँ पर्यटक का मेला सा लगा रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ट्रेवल एन एफ एक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।